आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है, रिलायंस डीमर्ज हो रही है। डीमर्ज होकर क्या बन जाएगी, रिलायंस अपनी एक कंपनी को अपने से बाहर निकाल रही है। इससे क्या फायदा होगा, जो भी इसके शेयर होल्डर्स है ना, उनको एक शेयर उस कंपनी का भी मिलेगा। रिलायंस की फाइनेंशियल सर्विस अंडरटेकिंग है, उसको ये डीमर्ज करने वाली है। उसका नाम क्या रखेगी, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी हो जाएगी, मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज पे एनएससी और बीएससी के अंदर लिस्ट होने वाली है। अगर मान लीजिए आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर है, तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस का भी एक शेयर मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर में ये लार्जेस्ट कंपनी मानी जाती है रिलायंस। अदानी भी अभी आ चुके हैं और एक टक्कर दे रहे हैं। अगर अदानी का मॉडल देखें तो अदानी ने क्या किया है, अपने सारे के सारे सेक्टर्स को ना डीमर्ज कर दिया है। कैसे डीमर्ज किया उसने, तो आपको पता होगा अदानी के अंदर में कई सारी कंपनियां हैं। अदानी इंटरप्राइज है, उसने डीमर्ज करके बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स निकाले थे, जैसे अदानी गैस है, अदानी ट्रांसमिशन है। इसी तरह से उसने बाद में आईपीओ भी लेके आए थे अदानी पावर का, फिर अदानी अभी हाल फिलहाल में अदानी वेलमर का आईपीओ आया था और अदानी पोर्ट भी आप जानते हैं, वो सब डीमर्ज होकर बनी है। उसके बाद में क्या होती है, वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है कंपनी की, और रिलायंस भी उसी पाथ पे चलना चाह रही है। रिलायंस अभी क्या कर रही है, अपने एक कंपनी को बस डीमर्ज कर रही है, वो लिस्ट करा देगी अलग से, उसकी वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगी। और क्या आपको पता है, रिलायंस के अंदर कई सारी कंपनियां हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स को निकालती है, हाइड्रोकार्बन्स को निकालकर उसके बाद में उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाती है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में कौन सी कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है पेट्रोल डीजल? इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है पेट्रोल और डीजल? कंफ्यूजिंग, बिल्कुल करता है, और बहुत अच्छे तौर पर करता है। और रिलायंस क्या करती है मालूम है, बाहर से क्रूड ऑयल को मंगाती है, उसके बाद में इसे रिफाइन करती है अपनी रिफाइनरी में। इसकी रिफाइनरी जामनगर में सबसे बड़ी रिफाइनरी है, इंडिया के अंदर नहीं, पूरे एशिया के अंदर में। वहाँ पे ये डीजल पेट्रोल बनाते हैं, उसके बाद में उसको बना के फाइनल प्रोडक्ट फिर बाहर वाली कंट्री को बेच देती है। इसके बाद में और क्या करती है, तो इसका पेट्रोकेमिकल का भी बहुत बड़ा बिजनेस है, पॉलीमर्स आपको पता है। और उसके बाद में आप तो ये भी जानते होंगे, जियो, रिलायंस की जियो कंपनी कितनी फेमस है, हर घर में अब इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी बन चुकी है ये। इसके बाद में रिलायंस के रिटेल आउटलेट्स आप गए होंगे, रिटेल आउटलेट्स में भी धूम मचाई हुई है। तो ये सब कंपनी इसके अंदर में मिली हुई है। अब ये इसने क्या किया है, रिलायंस जियो, आप अगर जियो पेमेंट बैंक का यूज़ किया होगा तो बस इसी सेक्टर को, ये इसी को अलग कर रही है। अलग करने के बाद इसकी वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगी, उसी के साथ में ये सब भी एक खुल जाएगी इनके दायरे, ये आगे जाके इन कंपनियों को भी अनलॉक कर सकती है, इनको भी डीमर्ज कर सकती है। एक और फैक्ट बता देता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड जो कंपनी है वो भी इसके अंदर में आ जाएगी। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है ना, उसके अंदर में इसको भी शामिल कर लिया जाएगा। तो ये एक RBI से रजिस्टर्ड कंपनी है, और इन्होंने नॉन डिपॉजिटरी कंपनी है, मतलब इन्होंने अभी तक आप लोगों से डिपॉजिट नहीं मांगा होगा कि आप सेविंग बैंक में डालिए या सेविंग खाता खुलवाइए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बस आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं इधर से उधर, तो जियो के थ्रू आप कर सकते हैं। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इसका मतलब क्या है, बैंकिंग नहीं कर रही है भाई, यही तो नहीं कर रही है, बाकी ये सारे काम कर रही है। अब ये क्या करने वाली है, ये आने वाले टाइम में इन्होंने अपना रख दिया, लक्ष्य भी रख दिया है, ये किस फॉर्म में उतरने वाली है मालूम है, आप इंश्योरेंस सेक्टर मालूम है, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में ये कूदने वाली है। 3 साल का टारगेट दिया, 3 साल के अंदर अंदर में ये धूम मचा के रख देगी इस सेक्टर के अंदर में भी। साथ साथ ब्रोकिंग के सेक्टर में भी उतरने वाली है। ब्रोकिंग समझ रहे हैं, स्टॉक ब्रोकिंग जो होती है ना, जैसे पेटीएम मनी है, जीरोधा है, बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, कई सारे ब्रोकिंग फर्म्स है इंडिया के अंदर में, जीरोधा, अपस्टॉक्स, कई सारे ब्रोकिंग फर्म्स है। तो ये ब्रोकिंग फर्म्स में भी आने वाली है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे इसकी वैल्यू अनलॉक होगी। ये क्या होगी, इंडिपेंडेंट होने के बाद में कई सारे सेक्टर को हैंडल करने वाली है, ये इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर को भी हैंडल करने वाली है। तो आने वाले टाइम पे अगर आपको ये सुनने मिले कि रिलायंस जियो इससे अलग हो रहा है, जियो इससे डीमर्ज हो रहा है, टेलीकॉम सेक्टर इससे डीमर्ज हो रहा है, इससे अलग हो रहा है, या फिर इसका पेट्रोकेमिकल सेक्टर या कोई ना कोई और सेक्टर इससे अलग हो रहा है, तो कोई आश्चर्य नहीं करने की बात, तो वहाँ पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ये गेम शुरू हो चुका है, आप गेम समझने की कोशिश कीजिए। अदानी के साथ अदानी ने क्या किया, डीमर्ज करके अपने आप को सबसे ऊपर में लेके चले गए, अभी ये एक्विजिशन फेज में चल रहे हैं अदानी। इसी तरह से रिलायंस भी इसी फेज में जाने वाली है, अपने जैसे ही अनलॉक करेगी, डीमर्ज करेगी, इसकी वैल्यू अनलॉकिंग शुरू हो जाएगी, और इस कह सकते हैं इसकी धुएंधार तरीके से वापसी हो जाएगी। पहले ये इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट कंपनी थी, बाद में अदानी ने मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसे टेक ओवर कर लिया है। अभी आने वाले टाइम में हो सकता है रिलायंस अपनी फर्स्ट पोजीशन को फिर से एक्वायर कर ले, फिर से नंबर 1 कंपनी बन जाए। तो रिटेल सेक्टर में आप ध्यान रखिए, बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, और टेलीकॉम सेक्टर में तो होने ही वाली है। देखते हैं आगे किस तरह से रिलायंस अपने कदम बढ़ाने वाली है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, 2 करोड़ का कस्टमर बेस इसके पास पहले से मौजूद है। हाँ, 2 करोड़ का इसके पास कस्टमर पहले से मौजूद है। आप और हम इसका सर्विस यूज़ कर रहे हैं, इससे मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, या किसी ना किसी फॉर्म में हम पेमेंट इसका यूज़ करके पेमेंट कर रहे हैं। और इन्होंने जो अपने एडवाइज़र रखे ना, वो भी बड़े बड़े रखे हैं, सीटी, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैच, ये सब इनके एडवाइज़र हैं, ये सब इनके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। तो भैया बच के रहना, धूम मचाने वाली है ये कंपनी आने वाली।